SCSD system. It is the most important system in ash handling. Why it is most important? I have told you all in earlier classes, if you attended it, it dispatch maximum 7:30 ratio of ash and water. ये पंप की खासियत है कि ये पंप 70% ऐश और 30% वाटर के साथ स्लरी फॉर्म करता है, या बोल सकते हैं थिक स्लरी फॉर्म करता है, और थिक स्लरी फॉर्म करने के बाद उसको अप टू 30 किलोमीटर इन स्ट्रेट अप टू 30 किलोमीटर और अप टू 40 किलोमीटर ये डिस्पैच कर सकता है. इतना ज्यादा इसकी कैपेसिटी क्यों? Anyone have any guesses? कि ये पंप इतना ज्यादा या ये सिस्टम इतना ज्यादा इतने दूर तक इसकी डिस्पैच क्यों कर सकता है ये? Anyone? हेलो, नो आइडिया सर. इसको पता है कि ये पंप ऐसा क्या है इसमें जो कि ये 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक स्लरी को डिस्पैच कर सकता है या ले जा सकता है? सर, इसका प्रेशर की वजह से हो सकता है. इसका तो प्रेशर, तो मैक्स प्रेशर जो है वो 100 केजी है. लेकिन ऑपरेटिंग प्रेशर कहीं भी 40 केजी से ज्यादा नहीं है, 40 से 60 केजी. ठीक है, प्रेशर की वजह से नहीं है. आपने ये मैकेनिकल में पढ़ा होगा कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है और सर्कुलेशन पंप होता है. रेसिप्रोकेटिंग रीसर्कुलेशन पंप पिस्टन पंप होता है. मैकेनिकल वाले है नहीं है इसमें? हेलो, है सर. यस सर. तो ये पंप होता है ना, पिस्टन पंप होता है, नहीं होता है? होता है सर. पिस्टन पंप का काम क्या है? ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है. हाँ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है. चलो, एक टेक्निकल आंसर. और कहाँ यूज करते हैं हमें? आपने प्लांट में कहाँ देखा है पिस्टन पंप? ऐसा एरिया जहाँ हाई डिस्चार्ज चाहिए सर. हाँ, क्या बोले? सॉरी, हाई डिस्चार्ज चाहिए जहाँ पर. अच्छा, तो WTP विजिट किया है क्या किसी ने? वाटर ट्रीटमेंट. हाँ सर, WTP, PTCW, ETP. यस सर. हाँ, यस सर. तो वहां देखा है क्या पिस्टन पंप? वहां तो ना हाई प्रेशर है, ना हाई वॉल्यूम है, ना कैपेसिटी हाई है. छोटे छोटे से पंप हैं. घर में जितने बड़े वाटर पंपिंग के लिए पंप यूज करते हैं, जैसे घर में बोलते हैं टुल्लू पंप, उतने बड़े बड़े पंप है वहां पर, वो पिस्टन पंप है. कभी कोई बड़ा पंप देखा है अपने प्लांट में? हमारे पास सबसे बड़ा पंप लगा हुआ है SCSD सिस्टम में, गेहूं पंप. ये 1 मेगावाट का है. गीगावाट हो गया. एक मेगावाट का पंप है ये पंप. VFD बेस्ड है. VFD से चलने वाला पंप कौन कौन सा है प्लांट में? एनीवन? एनीवन कोई बता सकता है VFD से चलने वाला कौन कौन सा पंप देखा आपने प्लांट में? चलिए ठीक है. ID फैन देखा आपने? यस सर,
आईडी फैन क्या वीएफडी से चलता है कि नहीं चलता है? यस सर, वो चलता है वीएफडी से। तो कहां भूल गए थे क्या? हमारे पास एससीएसडी सिस्टम है। एससीएसडी सिस्टम में मेनली दो चीजें होती है। ये चीजें मैं आपको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ। एससीएसडी सिस्टम चाहिए क्यों हमको? मैंने आपको बताया कि ये 70% ऐश और 30% वाटर के साथ डिस्पैच करता है स्लरी को मैक्सिमम दूरी के लिए। ये क्या होता है मेनली जो होता है, अभी तो नहीं हमारे कंट्रीज में, नहीं बाहर में क्या करते हैं लोग इसको माइंस फिलिंग के लिए यूज करते हैं। माइंस फिलिंग के लिए बेस्ट होता है ये। जैसे हमारा जो प्लांट है रिमोट लोकेटेड, जिसके आसपास में माइंस है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में जिसके माइंस है, तो वो सबसे अच्छा माइन फिलिंग्स के काम आता है कि इसकी कैपेसिटी अप टू 30, 20 और 30 और 40 अगर इतने भी रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा कि हमारे पास जो पंप है वो TZPM है। TZPM, ये TZPM का मतलब होता है ट्रिपल पिस्टन पंप। ये एक्चुअली TZPM ये यूरोपियन भाषा में किसी और लैंग्वेज में है, ये मेरे को नहीं पता किस लैंग्वेज में है, लेकिन एक्चुअल मतलब अगर इंग्लिश में निकाला जाए तो ये होता है इसका, ट्रिपल पिस्टन पंप। ट्रिपल पिस्टन पंप का मतलब सीधी सी बात हो गई है, इसमें 3 पिस्टन लगे हैं। 3 पिस्टन लगे हैं मतलब हमारी गाड़ी में कितने पिस्टन वाली पंप आती है, हम स्ट्रोक्स में देखते हैं उसको, 4 स्ट्रोक्स गाड़ी रहती है ना हमारी, 2 स्ट्रोक्स 4 स्ट्रोक्स। यस सर, वैसे ये 3 पिस्टन पंप है। और इतना बड़ा पंप होने के बाद भी इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। आप इसको 100 केजी तक चला लीजिए, लेकिन इसमें 100 केजी चलने के बाद भी वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन क्यों नहीं है? कहे कि आपने शाफ्ट देखा होगा किसी भी पंप का, तो ऐसा रहता है शाफ्ट। अगर ये मोटर हो गया, ये कपलिंग हो गई, ये पंप हो गया, तो आपने देखा होगा कि सीधा रहता है शाफ्ट हमेशा, ये सीधा रहता है शाफ्ट। लेकिन इस पंप के केस में शाफ्ट सीधा नहीं है, इस पंप का शाफ्ट जो है वो क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट का मतलब है यहां पर कि इसका पंप का शाफ्ट जो है कुछ इस टाइप का है, माने ये पंप का शाफ्ट आपका ऐसा है, एस टाइप का ऐसा। ये स्ट्रेट नहीं है, सब पंप के शाफ्ट ऐसे स्ट्रेट होते हैं, इस पंप का शाफ्ट ऐसा है। काहे कि ये साइक्लिक ऑर्डर पे चलता है, हर एक पिस्टन इसमें यहां पर कनेक्ट होता है इसमें। ये जो पिस्टन कनेक्ट होता है वो एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहता है, ठीक है? मतलब आप जैसे साइक्लिक बनाते हैं जैसे, तो ये ऐसे रहते हैं पंप कि एक से दूसरे के बीच में इक्वल इंटरफेरेंस रहेगा, कि अगर ये वाला मूव किया तो ये वाला हो सकता है पीछे रहे, ये वाला हो सकता है आगे रहे। तो हम ये 3 शाफ्ट है, ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कहे कि ये
अभी तो हर जगह लग रहा है ये पंप, लेकिन हमारे यहाँ एक ही है जो जो साइलो पे लगा हुआ 600 के, 250 में इसको यूज नहीं किया जाता, उस समय ये टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट नहीं की थी। अभी जो हम पंप यूज कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर्ड बाय गेहो, ये पंप है वेरी मिनरल्स का। वेरी मिनरल्स का इसको गेहो पंप उन्होंने नाम दिया है। बहुत सारे पंप आते हैं वेरी मिनरल्स के, जो उसमें से सबसे ज्यादा फेमस है आपका गेहो पंप। कहे कि इसकी कैपेसिटी हाई है, वाइब्रेशन नेग्लिजिबल है, और हम इसको थ्रू वीएफडी यूज करते हैं तो पावर कंजम्पशन एज कंपेयर टू अदर बहुत कम है। ये तीनों चीज होने के कारण ये आपका एक सक्सेसफुल पंप है। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, मोटर जो गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है वो पूरा इसके इस साइड में है, और जो गियर बॉक्स इससे कनेक्ट होता है वो अगले साइड में है, और इसका शाफ्ट सीधा नहीं है। अगर ये समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, ये जो तीन पिस्टन थे 1, 2 और 3 जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़े हुए थे, इनमें क्या होता है कि ये पिस्टन जो होता है एक पिस्टन चैम्बर में होता है, जो पिस्टन चैम्बर में मूव करता है। तो ये समझ लीजिए अगर ये आपका तीन पोजीशन हो गई, तीन पिस्टन मतलब तीन पोजीशन हो गई, ये अगर एडवांस में है तो मे भी ये हो सकता है मिडिल में, और ये हो सकता है लास्ट पोजीशन में। तो ये तीनों शाफ्ट अलग अलग पोजीशन पर रहते हैं, ये शाफ्ट चैम्बर के अंदर रहते हैं, और ये पिस्टन भी आपके डिस्चार्ज से, पंप के डिस्चार्ज से, जो पंप, एक पंप का फोटो निकालेंगे, पीपीटी खोलेंगे, हाँ सर, ठीक सर, मैं देख पाता हूँ, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए सर, तो मैं बाहर था। हेलो। यस सर। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पंप का जो, ये पंप का जो व्यू है, सामने में सिलेंड्रिकल तीन चैम्बर दिख रहे होंगे। आपने गेहो पंप विजिट किया होगा तो ये आपको दिखा होगा सामने से। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर में रहता है आपका डायफ्राम। ये डायफ्राम ये इससे कनेक्ट रहता है, ये ऐसा कनेक्ट रहता है और ये ऐसा कनेक्ट। ये जो कनेक्शन है यहां पर, जनरली आपने मैकेनिकल में सिस्टम में देखा होगा कि ये यहां से यहां तक जो कनेक्ट रहता है थ्रू शाफ्ट रहता है, लेकिन यहां पर कोई ऐसा शाफ्ट वाफ्ट यूज नहीं किया गया है। यहां से यहां तक का जो कनेक्शन है यह फ्लूइड कनेक्शन है, मतलब यहां से यहां के बीच के जो है कनेक्शन है आपका,
ये कनेक्शन आपका फ्लूइड है। फ्लूइड है मतलब अगर ये एडवांस पोजीशन में आता है तो सारा सारा प्रेशर अंदर आता है और ये डायफ्राम पोजीशन आगे हो जाता है। मतलब इसको सीधा समझना हो तो ये अगर हम मिडिल वाले का लेते हैं, अगर ये एडवांस पोजीशन में आ गया तो सारा फ्लूइड आगे की तरफ आ जाएगा। अगर ये बैक पोजीशन में चल दिया तो ये सारा सारा फ्लूइड अंदर चल देगा और थ्रू फ्लूइड, जैसे फ्लूइड कपलिंग होता है तो, लेकिन वो मैकेनिकल कनेक्शन होता है उसमें एंड पॉइंट में, और वो मैकेनिकल कनेक्शन से ही कनेक्टेड रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं रहता, मैंने कोई शाफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये टोटल फ्लूइड प्रेशर से ही काम करता है। ये आपका व्यू आएगा अगर आप कभी देखेंगे तो, अगर एडवांस पोजीशन में है तो आगे रहेगा, पीछे है तो पीछे रहेगा, बीच में है तो बीच में रहेगा, लेकिन इसमें जो प्रेशर लगेगा फ्लूइड का प्रेशर लगेगा। और ये पंप जो है टोटल फ्लूइड पे काम करता है, मतलब आपने जो देखा है कि ये डायरेक्ट प्रेशर तो लगा नहीं रहे, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स लग रहा है बोलना चाहिए आपके लिए। तो ये प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है पिस्टन से तो सेम प्रेशर लग रहा है, कहे कि आपका शाफ्ट एक है, शाफ्ट का मूवमेंट एक है, इसके कारण ये एक ही प्रेशर पे घूम रहा है। लेकिन आपका जो यहाँ पर डायफ्राम मूवमेंट है वो सिर्फ फ्लूइड की वजह से हो रहा है। और इसमें जो एक और खास बात है, इसका जो रोटेशन है वो SPM में देखा जाता है। SPM का मतलब होता है स्ट्रोक्स पर मिनट। स्ट्रोक्स पर मिनट का मतलब है आपका कि ये डायफ्राम कितने बार एडवांस पोजीशन में आ रहा है नहीं आ रहा है, माने ये आपका एक एक साइकिल हो गया ये पूरा, ऐसा कितना स्ट्रोक लेता है वो। गियर बॉक्स का रेशियो 23:9 है, आई डोंट नो अबाउट। जो आपका पंप का RPM है वो 1500 RPM है, गियर बॉक्स कन्वर्ट करता है उसको मैक्स 50 SPM में। मैक्सिमम जो आपका SPM रहता है वो 50 SPM रहता है, 50 SPM में कन्वर्ट करता है वो। अगर हम फुल स्पीड पे चलाते हैं तो हमारा SPM आपका 50 स्ट्रोक्स पे ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। और लो SPM होने के बाद भी इसका जो प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर जो हाईएस्ट है वो 100 kg है। यहां तक समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं? एवरीवन? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? यस सर। कोई प्रॉब्लम मिला गया आपको इसमें? नहीं सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये SCSD पंप तो मैं आपको बताया, फिर से बताता हूँ। SCSD की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है कि हमको पानी कम यूटिलाइज करना था और ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करना था कि हम आपका स्लरी लेके जाएं, क्या है कि इससे कमर्शियल और फाइनेंशियल दोनों हमारी सेविंग होती है। कमर्शियल सेविंग क्या होती है कि भाई हमको लैंड जो खरीदना पड़ता है वो लैंड खर्चा कम होगा, जो पानी खरीदना पड़ता है वो पानी खर्चा कम होगा, और जो हमको ये क्या है कि पाइपलाइन के थ्रू जाता है तो पाइपलाइन के थ्रू होने के कारण क्या है, ये मूवमेंट नहीं होता, फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। अगर हम साइलो से ट्रक में लोडिंग देते हैं तो साइलो से ट्रक लोडिंग में बहुत प्रॉब्लम ये आती है कि वो रोड के थ्रू जाता है, रोड खराब होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, स्ट्राइक्स हो गई तो प्रॉब्लम, इसमें ये सब प्रॉब्लम की कोई ऑप्शंस नहीं रह जाते। और SCSD सिस्टम क्यों बोला जाता है, SCSD सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप कोई जानते हैं क्या? हाई प्रेशर स्लरी
इसमें मेनली दो भाग होते हैं, एक गेहूं पंप और एक हाई कंस बोलिए बोलिए हेलो हाई बोलिए हाईली बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। और इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक होता है गेहूं पंप, एक होता है थिक स्लरी प्रिपरेशन। ठीक है, क्या होता है कि इसको दो भागों में बांटा गया है, एक गेहूं पंप है और एक थिक स्लरी प्रिपरेशन है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को डाउट आया होगा, अगर ये पंप 70:30 पे भेजता है तो हम इसको क्यों ना बॉटम एश में लगा दें। ऐसा हो सकता है कि इसको हम बॉटम एश में लगा दें और बॉटम एश से ले जाएं? क्या हम कर सकते हैं क्या इसको ऐसा कि हम इसको बॉटम एश में लगा दें और बॉटम एश से सीधा हमारा एश डिस्पोजल कर दें, तो हमारा वहां भी वाटर कंजम्पशन कम हो जाए? बॉटम एज में क्या है सर कि कोरस पार्टिकल्स रहता है और साइलो में जो है ना बहुत ही फाइन पार्टिकल्स आता है, जिसका कि वो बनाना मिक्सर बनाना इजी रहता है। एकदम कोरस पार्टिकल्स का मिक्सर अगर ज्यादा हाई कंसंट्रेशन बनाएंगे। हाँ हाँ, एक्चुअली हम गेहूं पंप का इस्तेमाल बॉटम एज में इसलिए नहीं कर पाते, कहे कि वहां पर पार्टिकल साइज तो एक मैटर करता है, दूसरा मैटर करता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर से आता है, उसको जब तक हम लोग क्रिंकल ग्राइंडर से क्रश ना कर लें, मतलब क्रिंकल ग्राइंडर का -25 mm होता है साइज, क्रश ना कर लें तब तक आपका वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये कर सकते हैं कि हम आगे मैं बताऊंगा कि गेहूं पंप के सक्शन पे उसको डाल दें सीधा। और आगे लेके जाएंगे, हाँ एसीएचडी सिस्टम जैसे आपने देखा होगा, ये एक अपर सिस्टम होता है, एक लोअर सिस्टम होता है। अपर सिस्टम में क्या होता है, ये थिक स्लरी प्रिपरेशन होती है अपर सिस्टम में, और लोअर सिस्टम में क्या होता है आपका गेहूं पंप। ये अपर सिस्टम, इसमें ये हमारे कंपनी का PNID है। आगे लेके जाएंगे, एक सिंप्लीफाइड मैंने एक वो बनाया है, इसमें आपको दिख रहा वो नहीं, ये आपको स्लाइड दिख पा रही है क्या? यस सर। ये जो आपका है, नेक्स्ट नहीं हो रहा क्या? अपर सिस्टम में होता है साइलो, साइलो से अंदर आता है तो ये होता है इनलेट वॉल्व, इनलेट वॉल्व के बाद होता है सर्ज हॉपर, सर्ज हॉपर के बाद होता है आउटलेट। ये आपको इसलिए समझाना पड़ रहा है क्या है कि हमको पंप जो है वो अपने से 70% ऐश और 30% वाटर नहीं ले जाता, हमको उसको कंसंट्रेशन बना के देना पड़ता है कि हम 70% ऐश और 30% वाटर का कंसंट्रेशन खुद बनाए, इसलिए ये हमको ये प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर हम बॉटम एस से वाटर मैंने स्लरी लेके उसका भी कंसंट्रेशन हाई कर दें तो गेहूं पंप के थ्रू उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको अपर सिस्टम में साइलो है, इनलेट है, सर्ज हॉपर है, आउटलेट है, स्क्रू कन्वेयर है, वेंट फैन है, एश मिक्सचर है, ART है, इतने सारी चीजों की क्या जरूरत, इतने सारे चीजों की क्या जरूरत है, इतने सारी चीजों की इसलिए जरूरत है आपको कहे कि साइलो है, साइलो से आपका ग्रेविटी के थ्रू
ग्रेविटी के थ्रू मटेरियल आता है। जो मटेरियल आता है उसको हमने नाम दिया सर्ज हॉपर। अब आपने बोला सर्ज हॉपर, तो ये मेकावर का डिजाइन है, तो ये उसने खुद से नाम दिया है। ये तो स्टोरेज बिन भी बोला जाता है इसको। स्टोरेज बिन हो गया आपका, ये भी बोल सकते हैं, स्टोरेज बिन भी बोल सकते हैं। मेन इसके लगाने का वजह क्या है? हम डायरेक्ट चाहते हैं तो ये डायरेक्ट इसको टैंक में दे सकते थे। नीचे आपने देख रहे होंगे, जैसे यहां पर इस टैंक में डायरेक्ट साइलो से दे सकते थे। तब भात एनीवन और उन्हें क्या हम इस साइलो से डायरेक्ट इस टैंक में, जिसको एआरटी बोलते हैं या एजिटेटर रिटेंशन टैंक बोलते हैं, और सॉरी ये आवाज नहीं आ रही आपकी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके आगे आपका लगा हुआ है एक स्क्रू कन्वेयर। उसके बाद लगा हुआ है एस मिक्सचर, फिर ये टैंक है ए आर टी। इतने सारे सिस्टम की क्या जरूरत? जैसे यहां देख रहे होंगे कि आपका सर्ज हॉपर है, फिर स्क्रू कन्वेयर है, एस मिक्सचर है, फिर ए आर टी। एक्चुअली क्या है, ये ग्रेविटी के थ्रू फॉल करता है। हम कितना मटेरियल ले गए उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टोरेज बिन बनाया। हमको कैसे पता चलेगा कि हम 70% एस लेके जा रहे हैं, 30% वाटर लेके जा रहे हैं? तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्टोरेज बिन बनाया। स्टोरेज बिन बनाया इसका मतलब है कि इसका एक आउटलेट होगा, एक इनलेट होगा। तो इनलेट है तो एक इनलेट में एक वॉल आ गया आपका, आउटलेट है तो आउटलेट में एक वॉल्व आ गया, और यहां पर हमने लगा दिया लोड सेल। ये सर्कुलर है तो सर्कुलर में तीन लोड सेल लगते हैं, जो दिख नहीं रहा है, एक पीछे लगेगा, ये भी एक 120 डिग्री पे लगते हैं। तो ये आपका लग गया लोड सेल। अब तो ये हो गया आपका, ऐश आ गई इसमें, मेरी ऐश आ गई आउटलेट के थ्रू, स्क्रू कन्वेयर के थ्रू ये आ गई। अब क्या है, ये हम ऐश के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्यों उपयोग कर रहे हैं? कहे कि इसके थ्रू एक स्पीड से ऐश गिर जाएगी। मतलब अगर ये मेरी कैपेसिटी इसकी 5 टन की है, तो 5 टन डायरेक्ट मेरा इस स्टोरेज में ना गिर जाए, या इस स्टोरेज में ना गिर जाए, या इस स्टोरेज। तो क्या होगा, अगर एक साथ 5 टन गिरेगा तो लम्स बन जाएंगे, ऊपर ऊपर से पानी आ जाएगा और नीचे अंदर बॉल सूखा रह जाएगा, ऐश सूखी रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं, स्क्रू कन्वेयर करते हैं और ये वॉल को धीरे से खोलते हैं, स्लो मूवमेंट वॉल रखाते हैं कि ये स्क्रू कन्वेयर के थ्रू धीरे 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 इसमें गिरे, वो ओवर स्पीडिंग में ना गिरे, जिसकी वजह से ऐश गीली ना हो पाए। और ये ऐश मिक्सचर इसलिए यूज करते हैं, कहे कि इसमें हम वाटर जो लाइन सप्लाई देते हैं दोनों साइड से, इसको वाटर देते हैं, यहां वाटर स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं अंदर में, वाटर स्प्रिंकल्स लगे रहते हैं, और इसके लाइन के स्टार्टिंग में यहां हमारा कंट्रोल वॉल लगा रहता है। कंट्रोल वॉल लगा रहता है जिसके थ्रू, इसके थ्रू हम ऐश कंट्रोल कर लेते हैं, इसके थ्रू हम वाटर कंट्रोल कर लेते हैं। तब हमको पता चल पाता है एक्चुअली कि हम 70% ऐश और वाटर कैसे मिक्स कर रहे हैं, नहीं तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा। इधर से ऐश आ रही है, इधर से पानी जा रहा है, तो यहाँ पर कितना परसेंट कंसंट्रेशन बन रहा है वो पता ही नहीं चल पाता है। तो ये कंसंट्रेशन जानने के लिए हमने आपका यहाँ पर एक कंट्रोल वॉल और यहाँ पर एक वॉल दिया हुआ है, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि अगर 10 साइकिल चल गया तो 50 टन माल आ गया,
उसके हिसाब से 50 टन माल के हिसाब से 70:30 रेशियो बनाना है तो कितना वाटर डालना पड़ेगा ये पता चल जाता है। यहाँ पर कंट्रोल वॉल्व है, यहीं पर आपका फ्लो फ्लो मीटर लगा हुआ है, फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है वाटर का फ्लो कैलकुलेट करने के लिए कि कितने फ्लो से पानी जा रहा है, हम कितने पानी यूज कर पा रहे हैं। और इसका जो डिस्चार्ज होता है जो आपका सलरी के रूप में रहता है, और ये एक सलरी जो रहती है थिक सलरी रहती है, थिक सलरी रहती है, और वो जाके एआरटी पे गिरती है। एआरटी कुछ नहीं है, एक कंटेनर है गेहूं पंप के लिए, सक्शन के लिए कि भाई जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं हमने प्रिपेयर कर दिया। जस्ट लाइक मेकिंग अ केक, केक बनाने से पहले हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थिक कर लेते हैं कि अब वो उसको बेक करने के लिए तैयार हो गया। वैसे ही यही है कि हम पूरा इस प्रिपरेशन को यहाँ तक रेडी कर देते हैं एआरटी तक कि सारा जो स्लरी है थिक हो जाए, जिसके आगे हम यूज कर सकेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो सर। चले आगे बढ़े इसके आगे। यस सर। यस सर। ये एआरटी में मटेरियल आ गया, एआरटी में आता है आपका थिक स्लरी। थिक स्लरी आ गई, थिक स्लरी आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक यहां पर वॉल लगा दिया, एक वॉल्व हो गया। अब क्या है, हमने ये चार्ज पंप या फिर बाकी प्लांटों में उसको बूस्टर पंप कहा जाता है। चार्ज पंप या बूस्टर पंप की क्या जरूरत? चार्ज पंप या बूस्टर पंप की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा जो गेहूं पंप होता है, आप लोगों ने बताया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है ये, और यहां जो डायफ्राम लगे रहते हैं पंप के अंदर वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के तहत काम करते हैं। अगर डायफ्राम को मैं, डायफ्राम का मतलब क्या समझते हैं आप? डायफ्राम एक तरीके का रबर पार्टिकल है, ठीक है। रबर पार्टिकल वो है कि जो आगे पीछे मूव करता है, एक फिक्स पोजीशन में उसकी बाउंड्री को फिक्स कर दिया जाता है, सेंटर पार्ट मूव स्टेनर। ये क्या करता है? कुछ नहीं करता है, ये जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं या फिर छोटे पार्टिकल्स जो कि आपका लम्स बनाने के उपयोग में आ सकते हैं वो यहाँ पर स्टैंड हो जाते हैं। ये एक तरीके से फिल्टर या छन्नी है जो आपके सारे मटेरियल्स को यहाँ फिल्टर कर देता है और कुछ नहीं करता। उसके बाद हम जो ये यूज करते हैं, ये सक्शन आपका रिसीवर टैंक, सॉरी सक्शन रिसीवर टैंक, ये क्या करता है, ये आपको हमेशा पंप के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लरी को कंटेन करके रखता है कि स्लरी खाली ना चले। सपोज चार्ज पंप ट्रिप कर गया तो हमारा गेहूं पंप डायरेक्ट ट्रिप करना है, लेकिन गेहूं पंप के लॉजिक में कहीं नहीं दिया हुआ है कि उसको ट्रिप करना है करके। ट्रिपिंग जैसी कोई सिक्वेंस नहीं दी गई हुई है उसमें, या आइडियल स्टॉप कंडीशन नहीं दिया हुआ है। कारण यह है कि इसका जो पंप का डिस्चार्ज होता है वो हो सकता है मे बी 7 किलोमीटर तो हम यूज कर रहे हैं, और मोर देन 15 किलोमीटर हो सकती है। 15 किलोमीटर में अगर आपका थिक स्लरी जा रहा है, समझ लीजिए 60:40 के रेशियो का स्लरी जा रहा है 15 किलोमीटर लाइन में, अगर पंप ट्रिप कर जाए तो क्या होगा, 15 किलोमीटर की लाइन आपकी चोक हो जाएगी। अभी 400 मीटर की क्लिंकर ग्राइंडर की अगर लाइन चेक होती है बॉटम एस्ट स्लरी की तो मे भी हो सकता है उसको एक दिन लगे। अगर 400 मीटर को एक दिन लगेगा, मीटर्स को वन डे, तो इसको कितना दिन लगेगा?
इसका कॉन्सेंट्रेशन था 30% ऐश और 70% वाटर। इसका कंसंट्रेशन है, इसका ऐश है और इसका वाटर है। काहे कि हम हर समय तो 70:30 मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन हाँ 60:40 मेंटेन हो जाता है। तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, अब कैलकुलेट कीजिए कितने मैन पावर आवर्स लगेंगे इसमें। ये तो डेज में आ जाएगा और मंथली आ जाएगा। डेढ़ महीना सर। हाँ एक डेढ़ महीना सर। हाँ तो इस कारण से इस पंप में ट्रिपिंग का लॉजिक बहुत कम दिया हुआ है। ये ऑटो स्टॉप होते हैं खुद से। ऑटो स्टॉप होते हैं मतलब ट्रिप का कहने का मतलब क्या होता है, करंट ज्यादा हो गया ट्रिप कर दो, वाइब्रेशन ज्यादा हो गया ट्रिप कर दो। इसमें वाइब्रेशन होता ही नहीं है, करंट ज्यादा होता ही नहीं है, ऐसा चीज दिया ही नहीं है जिसमें कि ये ट्रिप कर सके। इसको हम सिंपल तभी ट्रिप कर पाते हैं जब हो सकता है इसका ऑक्सिलरी मोटर्स, इस पंप के ऑक्सिलरी मोटर्स अगर ट्रिप करते हैं तभी इसको बंद करने का सजेशन आता है, ट्रिप करने का नहीं। तब पंप खुद से स्टॉप कमांड देता है और तब हमको तुरंत एक्शन लेके उसमें अलग से एक लाइन आती है प्लंजर की, हम इसमें यूज करते हैं प्लंजर पंप। जिसका हेड है 100 kg का, इसके हेड को यूज करते हैं लाइन चोकिंग ना हो करके। इतना समझ में आया, मैं आगे बढ़ू? ये स्लाइड देख सकते हैं, स्लाइड में समझ में नहीं आया। बोलिए बोलिए सर। ये चार्ज पंप यहाँ पे क्या कर रहे है, समझ नहीं है। चार्ज पंप का क्या वर्क है? चार्ज पंप क्या है, इनिशियल बूस्ट एनर्जी देता है उसको। वो चार्ज पंप को हम बूस्टर पंप भी बोलते हैं। चार्ज पंप क्या है, आपका 4 kg का प्रेशर जनरेट करता है, डिस्चार्ज करता है 4 kg का प्रेशर, जो आपके रिसीवर में इंटरलॉक के रूप में यूज किया जाता है, PI and PS, प्रेशर स्विच एंड प्रेशर इंडिकेटर। लोकल इंडिकेशन के लिए प्रेशर इंडिकेटर और डीसीएस के लिए PS प्रेशर स्विच यूज किया जाता है, और ये पंप आ जाता है आपका, और ये सक्शन स्टेनर। मतलब क्या होता है कि आपके जो पंप के डायफ्राम है उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होना जरूरी है। हम पंप को कभी ड्राई नहीं चलाते, मिनिमम रिक्वायरमेंट पानी की होती ही है। हम बिना पंप को, जैसे कि कोई पंप है हम नो लोड करते हैं, तो नो लोड क्या करते हैं, बिना मोटर लगा एक बार चला लेते हैं, ठीक है। सक्शन वाले वॉल्व को हम बाईपास कर देते हैं, इंटरलॉक से चार्ज वॉल्व को बाईपास कर देते हैं, और पंप को ऐसे भी चलाया जा सकता है कि भाई पंप सिर्फ मोटर के साथ, पंप का क्या वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है, हम वैसा भी चला सकते हैं। लेकिन ये पंप को हम ड्राई नहीं चला सकते। ड्राई नहीं चला सकते तो हमको पानी चाहिए, तो पानी को भी तो डालने के लिए कोई हमको एक पंप लगाना है, और जब यहां हमारे पास पंप लगाना है तो हम उसमें बूस्टर पंप लगा देते हैं, बूस्ट करते हैं, और उस बूस्ट पंप की कैपेसिटी मिनिमम 4 kg होनी चाहिए डिस्चार्ज की, जो कि वो डायफ्राम पे हमेशा प्रेशर क्रिएट करके रखा रहे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट कर। हेलो सर। हेलो सर। सर जो गेहूं पंप जो है सर, वो दूसरा पंप से क्यों डिफरेंट क्या है, मतलब उसमें सर मतलब क्या है कि वो सर जो वाइब्रेशन वगैरह उसमें चेक नहीं होता है सर, करंट वगैरह उसमें ये नहीं होता है, ट्रिप मतलब कि उसका जो मोटर ट्रिप होगा उसका साथ जो पंप ट्रिप होगा तब जाके उसको बंद करने का कमांड आएगा, वो सर क्यों ऐसा क्यों? वाइब्रेशन होने ना होने का कारण है आपका क्रैंकशाफ्ट। इसका जो शाफ्ट होता है क्रैंकशाफ्ट होता है, और इस पंप का जो वेट है मेरे ख्याल से
वो 30 या 50 टन का है वो, आई थिंक 30 से 50 टन का पंप है ये। आपने बड़े बड़े पंप देखे होंगे लेकिन इतना भारी पंप नहीं देखा होगा वाला बात है। ये अपने में सेल्फ वेट इतना ज्यादा है कि उसके कारण इसका वाइब्रेशन नेग्लिजिबल है। और दूसरा कारण है शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। आपने बोला कि इसमें ट्रिपिंग नहीं दी हुई है, इसमें ट्रिपिंग को क्या किया है इन्होंने, अपर सिस्टम हेल्दी, अपर सिस्टम हेल्दी करके एक इन्होंने इंटरलॉक लिया हुआ है। इंटरलॉक में आगे बताऊंगा तो बताऊंगा कि इसका हमने क्या नाम लिया है। इसका नाम है कि अपर सिस्टम हेल्दी करके एक सिग्नल लिया इन्होंने, अपर सिस्टम हेल्दी। अगर यह सिग्नल हेल्दी आ रहा है तो यह मान के चलता है कि आपके तरफ से सब कुछ सही है, पंप की पीएलसी में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहे कि इसमें दो चीजें हैं, दो सिस्टम लगा हुआ है, एक गेहो पीएलसी एक आपका गेहो पीएलसी है, एक डीसीएस पीएलसी है। गेहो पीएलसी का मतलब यह है कि वो इंडिविजुअल में अपना एक ब्रेन लेके चल रहा है जिसको खुद से कमांड देता है, वो खुद से एनालिसिस करता है कि अब मेरे को करना क्या है। वो आपके कहने पे नहीं चलता या आप उसको एडिट नहीं कर पाते। तो ये क्या होता है, हम इसको सजेशंस देते रहते हैं कि भैया हमारा अपर सिस्टम हेल्दी है तो गेहो पंप सही चलेगा। एक्चुअल में अगर मैं इसको फोर्स कर दूं, अगर ये फोर्स कर दूं और पता चला मेरा चार्ज पंप ट्रिप कर गया तो भी ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये रिसीवर का प्रेशर कम ना हो जाए। कहे कि वो तो यहां तक का सिस्टम ये जो है आपका पंप डिजाइन में नहीं आता, ये आप डिजाइन करवा सकते हैं यहां तक का सिस्टम। यहां से जो है सिस्टम वो पंप के डिजाइनर का है, तो वो इतना ही इंटरलॉक लेके चलता है, उसके आगे के इंटरलॉक नहीं लेके चलता है। एनी प्रॉब्लम? अब गेहूं पंप जैसे है, ये वेरी मिनरल्स का है पंप, ये नीदरलैंड का एक और नाम बता सकते हैं आप? नीदरलैंड को भी बहुत फेमस नाम है, एक और उसका यूज किया जाता है नीदरलैंड का नाम, कंट्री है नीदरलैंड। एनीवन? हॉलैंड का नाम सुना है आपने? यस सर। हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही है और मैक्सिमम पंपिंग सॉल्यूशंस यहीं से आते हैं। हम मानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज माने डिजाइंस और इसमें सबसे आगे होती हैं, लेकिन जैसे पंप की बारी आती है तो पंप में सबसे ज्यादा आगे नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड होने का कारण क्या है आपको, मैंने दूसरा नाम भी बताया, इसका नाम है हॉलैंड। इसी कारण से हॉलैंड माने ये क्या है कि सी लेवल से नीचे वाली ये कंट्री है, तो इसको हमेशा पानी को पंप करके आउट करना रहता है। तो ये क्या पंपिंग सॉल्यूशंस में सबसे आगे हैं हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में। हो सकता है कि इनका डिजाइन लेके कोई और कंपनी इससे ज्यादा अच्छा डिजाइन कर ले, लेकिन क्या है पंपिंग सॉल्यूशंस यहीं से आते हैं, माने कोई रिजल्ट जो आता है पॉजिटिव रिजल्ट वो यहीं से आता है। मॉडल आपका है गेहू TZPM1200 TZZZ पिस्टन पंप है, कैपेसिटी 290 मेट्रिक टन पर आवर है, मीटर क्यूब पर आवर है। प्रेशर आपका इसमें दिया हुआ है 90 kg का प्रेशर दिया हुआ है, और आपका वेलोसिटी मीडियम वेलोसिटी दिया हुआ है। पार्टिकल साइज की बात हो रही थी, ये पार्टिकल साइज यूज करता है 8 mm का। तो हम अगर बॉटम एज का अगर स्लरी लेना चाहें तो हमको क्लिंकर ग्राइंडर का जो साइज है उसको 8 mm करना पड़ेगा, ना कि 25 mm। उसको हम कम कर सकते हैं और कम करना पड़ेगा। और जो ये सॉलिड कंटेंट जो होता है, मतलब आप इसको 75% तक ऐश के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी तक जो हमारे प्लांट में मैक्सिमम 70% तक ले गए हैं। हो सकता है 70, 71, 72 ले गए हों, लेकिन हम कभी 75 रीच नहीं कर पाए हैं। काहे कि उतने में हमको चलाने में वो है प्रॉब्लम है, काहे कि इतना हाईली कंसंट्रेटेड स्लरी बनाने में
हम मैंने बोलना चाहिए कि हमको कंटिन्यू बनाना पड़ता है, ये 10 मिनट 15 मिनट का प्रोसेस नहीं है। हमको अगर 8 घंटा पंप चलाना पड़ा तो 8 घंटे के हिसाब से हमको इतना कंसंट्रेशन पे हम स्लरी तैयार नहीं कर पाते। ये वर्किंग प्रिंसिपल है गेहूं पंप का। गेहूं पंप मेन वही आपका नेट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है, जो सक्शन से सक्शन वेसल से सक्शन लेता है और डिस्चार्ज करता है। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको आपको और आसानी से समझा देता हूँ पंप के बारे में। ये है आपका सक्शन वेसल। सक्शन वेसल क्या करता है, ये स्लरी लेता है अंदर और ये डिस्चार्ज कर रहा है। आप ये जो देख रहे होंगे ये आपका डायफ्राम है, और ये जो डायफ्राम का जो मैंने रॉड दिखाने की कोशिश की, ये रॉड है जो इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की कि एक साइड में आपका फ्लूइड वो रहता है, वाटर रहे या स्लरी रहे, दूसरे साइड में फ्लूइड रहता है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इस साइड में फ्लूइड है, इस साइड में आपका स्लरी है, ये रिसीवर टैंक है, इसमें जो दिख रहा है वो एयर है, ये एयर है, यहाँ वेंटिंग दिया हुआ है कि यहाँ अगर लेवल फ्लक्चुएट करे तो ये सक्शन ले सके। और इसमें दो चीजें और होती हैं, दो पपेट वॉल लगे रहते हैं। पपेट वॉल क्या है, नथिंग एस वॉल है बस, यहाँ पर एक सक्शन में लगा है, एक डिस्चार्ज में लगा है। ये दिख रहा है आपको ये सक्शन और डिस्चार्ज का पपेट वॉल, ये आपने तो फील्ड में भी देखा होगा इसको। नहीं देखा क्या किसी ने फील्ड में? हेलो, नहीं सर। अब वही है ना, फील्ड में जाके क्यूरियोसिटी होनी चाहिए देखने की या सीखने की। फील्ड में आपने गेहूं पंप गए होंगे तो वहां पर एक नीचे पे एक चैम्बर बना हुआ है, एक चैम्बर ऊपर बना हुआ है। सर अभी तक गेहूं पंप पहुंचे नहीं पाए कभी। एश हैंडलिंग घूमे, गेहूं पंप कैसे नहीं घूमे? नहीं पहुंचे सर, हम लोग जाने वाले थे तो उस दिन बारिश हो गया तो नहीं जा पाए थे। ओके चलिए ठीक है। जैसे ये आपका सक्शन है और ये डिस्चार्ज है, तो सक्शन में क्या है, एक चैम्बर बना रहता है, डिस्चार्ज में एक चैम्बर बना रहता है। जो सक्शन चैम्बर है उसके अंदर एक पपेट वॉल रहता है, जो डिस्चार्ज है उसके अंदर में एक पपेट वॉल रहता है। जो सक्शन रहता है वो सक्शन लेता है यहाँ से, और उस समय में एट ए टाइम में एक ही वॉल ऑपरेट होता है, या तो सक्शन होगा या तो डिस्चार्ज होगा। सक्शन कब होगा, जब ये पीछे होगा, जब आपकी डायफ्राम पोजिशन बैकवर्ड्स रहेगी। ये अभी इस फोटो में ये फॉरवर्ड है, पिस्टन का पोजीशन फॉरवर्ड है। ये आपका क्रैंकशाफ्ट दिख रहा है, इसमें है मेरे पास एक फोटो जिसमें आपको क्रैंकशाफ्ट ओरिजिनल में कैसा दिखता है वो भी दिखाऊंगा। और ये आपका शाफ्ट जो है फॉरवर्ड पोजीशन पे है, तो ये डिस्चार्ज वाला खुला हुआ है, अभी जा रहा है इसमें लिक्विड, और ये सक्शन वाला बंद है अभी। जब ये बैक पोजिशन पे आ जाएगा तो सक्शन वाला ओपन हो जाता है और डिस्चार्ज वाला बंद हो जाता है। पहले पूरा इसमें से फ्लूइड इस चैम्बर पे आता है, और जैसे ये प्रेस करता है, चूंकि ये बंद रहता है, ये सारा मटेरियल इसके थ्रू ऊपर चल देता है। और ये जो आपको गोल दिख रहा है, इसको बोलते हैं आपका नाइट्रोजन डैम्पनर। ये क्या करता है, क्या यूज है सर नाइट्रोजन डैम्पनर का? बता रहा हूँ उसको, नाइट्रोजन डैम्पनर क्या करता है। ये आपका पंप का डिस्चार्ज है। पंप जब डिस्चार्ज करता है तो ये साइनोसाइडल वेव बनाता है। साइनोसाइडल वेव क्यों बनाता है, कोई बता पाएगा? काहे कि इसके पिस्टन के बीच में 120 डिग्री का फर्क होता है, तो ये हमको कंटिन्यूअस फ्लो कभी नहीं देता है। ये हमको एक तरीके से बोला चाहिए डीसी करंट होता है वैसा फ्लो नहीं मिलता, इसका करंट एसी करंट टाइप से मिलता है। करंट देखे ना, करंट का वेव फॉर्म डीसी का ऐसा रहता है सीधा, एसी का ऐसा रहता है, तो ये हमारे को एसी के फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है, कहे कि ये 120 लैगिंग या लीडिंग पे चलता है। लैगिंग लीडिंग भी पढ़े होंगे आप,
ये एक ये जब अगर जब कोई पानी इसके अंदर में ऐसा जाएगा तो लाइन में बहुत ज्यादा हंटिंग होगी, काहे कि हम कभी बोलते हैं लाइन फुल होकर चलेगी तो स्टेबल रहेगी, लॉन्ग लाइफ रहेगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पर, क्या ये कंटिन्यूअस नहीं है, हो सकता है इसका जो मैंने पीक टू पीक मैंने ज्यादा बड़ा दिखा दिया हो, छोटे छोटे आते हो पीक टू पीक, लेकिन इसके बीच में ये वेव्स जरूर बनती हैं। ये वेव्स बनने के कारण हमने क्या किया, यहाँ पर एक डायफ्राम पुट किया है। ये डायफ्राम का क्या काम है, इसमें हम नाइट्रोजन भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं। नाइट्रोजन कितना भरते हैं और क्यों भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं हम लोग 60% है वर्किंग प्रेशर का। वर्किंग प्रेशर का 60%, अगर हमारे यहाँ 24 केजी का वर्किंग प्रेशर है तो इसका 60% कितना हो गया, 14 से 16 केजी। काहे कि हमारा ये तो फिक्स नहीं है, काहे कि हम कोई, ये तो मैंने बताया कि ये अपने से चलता है, प्रेशर अपने से इंक्रीज हो जाता है, इसमें हमारे कंट्रोल में प्रेशर नहीं रहता। यहाँ अगर लाइन में जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एश रहा प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा, जितना थिन रहा उतना प्रेशर कम रहेगा, जितना ज्यादा थिक रहा उतना ज्यादा प्रेशर हाई रहेगा। थिन के लिए थिन स्लरी रहा प्रेशर लो, थिक रहा प्रेशर हाई, ये इसका फंडा ही है। जितना ज्यादा गाढ़ा होते जाएगा वो उतना ताकत लगाएगा, उतना ताकत लगाएगा तो उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। हमारे यहाँ 14 से 16 केजी का नाइट्रोजन प्रेशर रहता है, हो सकता है जिसकी लाइन हमारे यहाँ 7 किलोमीटर लगभग लाइन है, 5 से 7 किलोमीटर की, ये तो डाइक पोजीशन के कारण बार बार चेंज होते रहता है। हो सकता है कि अब मेरे पास इतना बड़ा डाइक है, मेरे पास इतना बड़ा डाइक है, आज डिस्पोज यहां कर रहा हूं तो हो सकता है कल के दिन ये डिस्पोजल पॉइंट मेरा यहां आ जाए तो ये लेंथ बढ़ जाती है। हो सकता है 2 महीने बाद मेरा डिस्पोजल लाइन और बढ़ जाए, यहां से लेके यहां तक और बढ़ गया, तो ये 5 to 7 किलोमीटर वेरी करते रहता है। इतना बड़ा पंप के लिए 5 to 7 किलोमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हमारा जो अगर वाटर है, अगर हम वाटर को डिस्पैच करें तो ये 7 केजी पे लगभग 7 किलोमीटर प्रेशर के साथ चला जाता है। हाँ, प्रेशर हाई नहीं रहता, बस प्रेशर रहता है। एंड पॉइंट में आपको 7 केजी मिलेगा उत्तर 2000 बॉडी में। हाँ, हेलो, कंटिन्यू सर। 7 केजी जरूरी नहीं है कि डिस्चार्ज पॉइंट पे, जहां पर आपका डिस्चार्ज हो रहा है आपका गेहूं पंप का, वहां पर जैसे यहां पर इस फोटो में देख रहा हूं, यहां जहां डिस्चार्ज हो रहा है ये डिस्चार्ज पॉइंट पे आपको 7 केजी नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मुश्किल से आधा से 1 केजी बस जाके वो गिर जाता है। वो जो ये आपका प्रेशर दिखाता है वो आपका जस्ट पंप के बाद जो डिस्चार्ज ट्रांसमीटर लगा हुआ है या फिर नाइट्रोजन डैम्पनर का वही प्रेशर दिखाता है। नाइट्रोजन डैम्पनर और लाइन का डिस्चार्ज प्रेशर अप टू 60% तक नहीं दिखाता, 60% से अबव जाएंगे तो ये काम करना चालू करता है। हेलो सर, नाइट्रोजन डैम्पर बोले सर, यहाँ पे सर नेटवर्क के पुअर होने की वजह से सर सुनाई नहीं दिया सर, और एक बार बता देंगे सर। कैन यू रिपीट इट सर, जो नाइट्रोजन डैम्पर आप बोले सर, यहाँ पे सर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ था तो सर उस टाइम सुनाई नहीं दिया, तो अभी नाइट्रोजन डैम्पर साउंड नहीं आ रहा। यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन डैम्पनर जो है 60% वर्किंग प्रेशर का इसमें डाला जाता है। 60% ये डिजाइंड रेशियो है कि ये जो नाइट्रोजन जो है, हमारा वर्किंग प्रेशर 24 केजी का है,
तो 24 केजी का नाइट्रोजन जो होता है वो 14 से 16 केजी के बीच में हम इस पे फिलिंग करते हैं, काहे कि हमारा जो वर्किंग है वो 24 हम स्टैंडर्ड मानते हैं लेकिन ये 30 तक जाता है, ठीक है, 30 तक जाता है हमारा प्रेशर। अब क्या है, प्रेशर इसलिए अब बढ़ते रहता है, यहाँ से हमारा 7 किलोमीटर का लाइन है, 7 किलोमीटर की लाइन में अप एंड डाउन बहुत सारे हैं, कहीं जगह ऐसे ऊपर है, आप TP15 विजिट किए होंगे, TP15 में नीचे से कोई लाइन जाते दिखती है क्या आपको? नहीं दिखती, काहे कि वो ओवरहेड गई हुई है सारी, फिर नीचे आ जाती है। जिप के सामने देखे होंगे तो जिप के सामने पूरी लाइन नीचे है, फिर इंडस्ट्रियल कैंटीन आता है तो वहां अंडरग्राउंड हो जाती है, फिर बाहर ब्रिज आता है तो फिर ओवरहेड हो जाती है। तो इसके कारण क्या, बहुत सारी जगह हो सकता है चोकिंग हो जाती है, जैसे यहाँ से मटेरियल पंप कर रहा है यहाँ पर चोकिंग हो गई तो प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, जैसे ही रिलीज हो गया फिर प्रेशर लो हो जाता है, तो लो हाई बना रहता है इसमें। एग्जैक्ट आप ऐसा नहीं है कि बाकी पंपों की तरह नहीं है कि 24 केजी प्रेशर डाल दिया वो फिक्स ऑटो में घूम रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपको कंसंट्रेशन मेंटेन करना है कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सली 70:30 पे चलता रहे या फिर 60:40, जैसा हमको वहां से कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से हम फिक्स कर देते हैं कि भैया अगर मेरे को 1000 टन माल भेजना है तो 600 टन उसमें मिनिमम मैश होनी चाहिए और 400 टन पानी होना चाहिए। तो ये आपका एक रेशियो निकल जाता है, इस कैलकुलेशन से हमको पता चल जाता है कि इनलेट कितना लेना, मटेरियल कितना लेना है और आपको वाटर कितना लेना है करके। अब समझ में आगे बढ़ू? हेलो सर, यस सर, आगे यस सर। ये जो नाइट्रोजन होता है 60% फिल करते हैं वर्किंग प्रेशर का, इसी लाइन में हम एक लगाते हैं डेंसिटी ट्रांसमीटर। कोई बता पाएगा डेंसिटी ट्रांसमीटर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? ये कहीं लगा हुआ देखा हो आपने? नहीं आइडिया है सर। डेंसिटी ट्रांसमीटर एक निकोनिक होता है, ये आपका CZM-139 के प्रिंसिपल पे काम करता है। निकोनिक गेज बोला जाता है या निकोनिक ट्रांसमीटर बोल लीजिए इसको, वो उसके फंडे पे काम करता है। पर उसका भी आइडिया नहीं अपने को। ये जो है ये आइडेंटिफाई करके देता है कि हमारा आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो सर, साउंड नहीं आ रहा है। सर आवाज आ रहा है सर, नहीं आपका। ऐसे कौन बोलता है भाई? सर आवाज नहीं आ रहा है सर। बैटरी खत्म हो गया होगा भाई, बैटरी खत्म हो गया होगा। वेट गाइस, वेट, तू जाके बैटरी दिला दे भाई, बैटरी नया लगाते हैं उसमें। तू अपना बैटरी रिचार्जेबल बैटरी लगा दे। हेलो, आवाज आया अभी आपको? हाँ सर। यस सर, यहाँ लगा रहता है डेंसिटी ट्रांसमीटर। डेंसिटी ट्रांसमीटर हमको बताता है कि वाटर का और एश का परसेंटेज क्या है। आप सबको जानते होंगे कि वाटर का डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर
1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, हाँ ठीक। या फिर आप इसको अगर हम रेशियो पे देखें तो 1 आता है इसका आपका स्पेसिफिक डेंसिटी सर। हाँ हाँ ठीक है। जैसे हम लोग अभी जो मेजर करते हैं यहाँ पर इसका वाटर का डेंसिटी हम 1 लेके चलते हैं, 1.00, या फिर हम इसको लेते हैं 0.096 से लेके 0.98, कहे कि हमको पानी जो मिलता है उतना प्योर वाटर नहीं मिल पाता है। कई बार होता है मडी वाटर आता है, तो मडी वाटर आने के कारण हो सकता है ये 1.04 से लेके 1.06 तक वेरी करे, इतना वेरी करता है हमारा पानी। अगर हम अपने पानी का डेंसिटी ट्रांसमीटर से रीडिंग देखेंगे तो वो 0.96 से लेके 0.14 तक वेरी करता है। कहे कि हमारा जो पानी आ रहा है हो सकता है हम रीयूज्ड वाटर यूज कर रहे हो, मडी वाटर यूज कर रहे हो, ये सीजन वाइज चेंज हो सकता है। कहे कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ वाटर है हम फ्रेश वाटर यूज नहीं करते जनरली हर टाइम, तो ये चेंज होते रहता है। तो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर हम यहाँ पर लेके चलते हैं 1, और हमारा जो मैक्सिमम रेशियो होता है वो होता है 1.55 पे। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगा, उस फॉर्मूले से 75 से 70% आपका ये हो गया 25 से 30%, ये रेशियो आता है आपका इसके लिए। ओ सॉरी उल्टा, वन पॉइंट सिक्स जब आ रहा है तो 75% हो सकता है ऐश हो, और 25% तो हम मैक्सिमम जो लेके यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं या इससे बिलो। हम लोग जो डिजाइन किया है कि हमने 1.50, अगर 1.50 हमारा कंसंट्रेशन आ गया तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एश और वाटर का जो रेशियो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखते हैं। अब क्या रेगुलर प्रैक्टिस में आने के कारण हमको पता चल गया है कि अगर ये रेशियो चल रहा है तो हमारा वर्क प्रेशर 20 से 24 केजी होगा। आप बोलेंगे सर 24 केजी आपने मैक्स बताया, 30 केजी बताया, एक्चुअली लाइन साइज चेंज होते रहती है, इसलिए हमारे तीनों पंप का कैपेसिटी अलग हो जाता है, तीनों का डिस्चार्ज पॉइंट अलग अलग है, तीनों को का प्रेशर अलग अलग है, वर्किंग प्रेशर। यहाँ पर सेम प्लेस में लगे होने के बाद भी डिस्चार्ज पॉइंट सबका अलग होने के कारण इसका वर्किंग प्रेशर सबका वेरी करता है, और हम जनरली 1.5 पे चलाते हैं, इससे ज्यादा जाता है। अगर ये 1.55 चला गया तब क्या होगा, कंसंट्रेशन हायर साइड जा रहा है माने, तब हमको ऐश लेना बंद करना पड़ता है और वाटर लेना चालू करना पड़ता है कि हम इसको कंट्रोल कर पाए वापिस 1.5 पे। हम चलाने की कोशिश करते हैं इसको 1.5 पे कॉन्स्टेंटली, ना कि वेरिएशन आए। 1.5 पे अगर चलता है तो ये 65:35 का रेशियो मेंटेन करता है लगभग। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इसपे ना जाए, इस पे जाने से हो सकता है लाइन चोकिंग होगी, और 7 किलोमीटर की लाइन को आपको 40 या 60 केजी पे टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो आपका डिस्चार्ज प्रेशर 90 केजी तक चल जाता है। अगर सपोज करो कोई लाइन TP15 देखा आपने, TP15 के पास ये एक वो बना हुआ है आपका पाइप रैक बना हुआ है, इस पाइप रैक पे यहाँ पर चोकिंग आ जाए, चोकिंग इन द सेंस कोई फॉरेन मटेरियल था टूट के गिर गया, इसके वजह से स्लरी ऊपर ना जा पाए, तब क्या होता है इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो यहाँ ट्रांसमीटर लगा रहता है डिस्चार्ज ट्रांसमीटर, उसका प्रेशर जो 24 केजी चलता रहता है इंक्रीज होके 30, इंक्रीज होके 50, बढ़ता जाता है कंटिन्यूसली जब तक स्लरी इसको ओवरटेक ना कर ले, इसको जब तक ऊपर ना आ जाए तब तक इसका प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा। अगर सडनली ये प्रेशर बढ़ बढ़ के हो सकता है 60 केजी आ गया, और यहाँ पर कोई जॉइंट हो लाइन पे कुछ डैमेज हो जिसके वजह से आपका वो चोकिंग आया था, तो यहाँ से लाइन फट जाएगी और आपका जितना ये हो सकता है 1.5 किलोमीटर पे हो, तो 1.5 किलोमीटर की स्लरी यहां से एक्सप्लोड कर जाएगी। जैसे आपने रिलायंस का देखा तभी एस डेक बह गया था, तो वो समथिंग लाइक सिचुएशन आ जाएगी। हो सकता है कि 1 किलोमीटर आपका चोकिंग पे चल दे
0.5 का मटेरियल यहाँ से बाहर निकल जाए, क्या कि यहाँ तो 50 केजी या 60 केजी का प्रेशर था डिस्चार्ज पॉइंट पे, तो यहाँ हो सकता है कि प्रेशर 20 या 30 केजी का प्रेशर रहा हो, क्या कि लाइन साइज बड़े होने के कारण यहाँ पर प्रेशर जो है पूरा एक लाइन का प्रेशर एक साथ नहीं रहता, माने स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, यहाँ अगर 7 केजी का प्रेशर है तो हो सकता है 1 केजी या 0.5 केजी का प्रेशर हो यहाँ पर, या बिलो 5 केजी हो, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये लाइन अगर टेस्टेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो यहाँ ब्लास्ट कर जाएगी, पूरा स्लरी यहीं बाहर निकल जाएगा, जैसे यहां से बाहर निकलेगा 60 केजी तुरंत 24 केजी, थोड़ी देर में 24 केजी हो सकता है 10 केजी पे आ जाए, काहे कि तो 1.5 पे ही आ गया ना, तो वर्किंग प्रेशर हमने बनाया था 7 किलोमीटर के हिसाब से, अब ये 1.5 पे ब्रेक हो गया तो ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा सॉरी, 10 केजी आ जाएगा। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, नो सर। पंप को सेफ रखने के लिए दो टाइप का फ्लूइड यूज करते हैं हम लोग, पंप को सेफ करने के लिए दो टाइप के फ्लूइड यूज होता है, एक होता है एंड लुब्रिकेशन और एक होता है प्रोपलिंग लिक्विड। ये फ्लूइड डायग्राम है, फ्लूइड डायग्राम का दिखाने का मतलब यह है कि इसमें तीन टाइप के फ्लूइड यूज होते हैं, एक स्लरी, दूसरा प्रोपलिंग लिक्विड, तीसरा आपका एंड लुब्रिकेशन। एंड लुब्रिकेशन कुछ नहीं होता है, एंड लुब्रिकेशन होता है कि हमने शाफ्ट को जो ऑयल दिया है, जो हर पंप में यूज करते हैं, जो शाफ्ट को ऑयल दिया है वो ऑयल एंड लुब्रिकेशन पंप है, और इसको पंपिंग के लिए हमने एक सेपरेट पंप दिया हुआ है ऑयल को पंप करने के लिए, कि ये ऑयल घूमता रहे हर जगह, स्प्रेड ओवर होता रहे अंदर ही अंदर, इसके लिए एक हमने अलग से पंप यूज किया है, M2 और M6 करके पंप का नाम है, एक पंप इसके लिए एक पंप इसके लिए। जो आपका M6 है वो होता है पावर एंड लुब्रिकेशन पंप, जो आपका शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट को हमेशा लुब्रिकेट करते रहता है। दूसरा ये है कि जो आपका पिस्टन चैम्बर और ये शाफ्ट, इसके बीच में जो फ्लूइड यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपलिंग लिक्विड। जो ये टैंक दिख रहा है, इस टैंक में हम भर देते हैं और इसके थ्रू उसको पंप करते रहते हैं कंटिन्यूसली। हेलो, गियर बॉक्स का रेशियो मेरे को याद नहीं है फिलहाल, मैं आपको PPT शेयर करूंगा तो उसमें दे दूंगा कि वो क्या है कि आपका जब वो RPM में घूमता है तो RPM को जो कन्वर्ट करता है SPM में, वो गियर बॉक्स के थ्रू होता है, वो इक्विवेलेंट रहता है आपके वो SPM के, फिर उसका रेशियो जैसा रहता है। अगर वो फुल आपका 1500 RPM पे घूम रहा है तो आपका जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, मोटर रहेगी, पंप रहेगा, वो 50 SPM पे ही घूम पाएगा, स्ट्रोक्स पे ही घूम पाएगा। तो जो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम है उसको 20 मिलियंस लेके कंपेयर कर दिया गया कि भाई हमको तो SPM पे चाहिए, लेकिन मोटर का फीडबैक तो हमको मिलता है, पंप को कोई SPM का फीडबैक नहीं है, तो हम मोटर की फीडबैक से उसको एनालिसिस करते हैं कि पंप इतने में चल रहा है, इसका मतलब हम अंदाजा लगाते हैं हमारा गियर रेशियो सही है तो मोटर भी सही उसमें घूम रहा होगा। ओके सर, ठीक, और कुछ? सर वो जो डेंसिटी ट्रांसमीटर था उसके बारे में वर्किंग प्रिंसिपल बता सकते हैं क्या आप? डेंसिटी ट्रांसमीटर क्या है, निकलोनिक है सबसे पहला चीज, तो उसके आसपास आपको बोला चाहिए जाने आने के लिए पर्टिकुलरली एक पेन आता है और उसके लिए सबसे पहले एफिलेशन लेना पड़ता है। यस सर, लेना पड़ता है मींस माने AERB करके एक संस्था है जो इंस्टॉलेशन का वो लेती है कि भाई आप इस सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले आप इसको वो कर लेंगे, उसके बाद इसका कोई ऐसा, ये निक्लोनिक गेज होने के कारण क्या है तो आप जानते हैं निक्लोनिक गेज का मतलब क्या होता है,
अल्फा बीटा गामा रेज के थ्रू। तो ये सीजियम 139 पे काम करता है, इससे जो रेज निकलती है हम इसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, ये स्लरी हो गया। अगर वाटर पे है तो वाटर को हम 1 लेके चलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर सीजियम 139 में अगर इसके अंदर वाटर रहेगा जो रिसीवर रहेगा तो हो सकता है रिसीविंग पार्टिकल इसके 3000 है और मोर देन 3000 है। ठीक है, अगर स्लरी रहेगा तो स्लरी में हो सकता है कि इसके पार्टिकल्स 100 आए और बिग 500 आए, 600 आए, ये हो सकता है। तो हमको इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में हमको ये पता लगाना पड़ता है कि एक्चुअल में हम कितना स्लरी जा सकते हैं हमारा मैक्सिमम। ये आपका ये सिंपल है कि एब्जॉर्प्शन पे काम करता है। जैसे यूरेनियम में जितना एब्जॉर्ब कर लिया उतना कंट्रोल कर पाते हैं यूरेनियम के न्यूक्लियर फिशन को, उसी प्रकार का है। अगर ये लाइन एम्प्टी रही तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन होगा रिसीवर में। समझ में आया आपको? नहीं है सर, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मतलब लास्ट लाइन अब क्या बोले वो सुनाई नहीं दिए ढंग से। ये बोल रहा था ये आपका जो सीजियम है अगर इसके अंदर में कुछ नहीं है, क्योंकि हर बार का पानी की क्वालिटी से अलग अलग ही होता है, हमको इक्वल क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं मिलने के कारण ये हो सकता है 1000 से लेके 200 तक आएगा। तो इससे हम इसको हम मैंने कैलिब्रेट करने के लिए इसको बंद कर देते हैं। तो हम आपका एमटी करने की कोशिश करते हैं, एमटी में इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, इसकी वाटर में रीडिंग नोट कर लेते हैं, तीसरा मैक्सिमम कंसंट्रेशन उसमें इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, उसकी रीडिंग कितनी है वो तो देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन डाटा देखना पड़ेगा कि उसकी। तो ये तीन डाटा मिल जाता है, 1, 2 और 3, ये तीनों डाटा के बेसिस पे हम उसको कैलिब्रेट करते हैं। तो वो कैलिब्रेशन के बिहेवियर पर वो शो करता है कि हम कितना डेंसिटी लेके जा रहे हैं। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। और कुछ डाउट? नो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।